सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं इनवेरियंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो आज का टॉपिक है इनवेरियंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो इनवेरियंस मीन्स सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक मतलब कि कोई भी चीज जो चेंज ना हो। तो इसमें हम कंजर्वेशन लॉस की बात करेंगे कि सिंपल कंजर्वेशन लॉस कौन कौन से हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे कि वैसे हमें पता है कि वैसे मोस्टली चीज हम कंजर्व लेते हैं, ये नहीं कहेंगे कि हर चीज कंजर्व होती है। काफी चीजें हैं जैसे कॉस्मिक रेज, वो कंजर्व नहीं होती, उसमें जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। वैसे हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो इजी हो जाए, बट वैसे हर चीज कंजर्व नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन लॉ यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम क्वांटम में यूज करते हैं, लेट्स अज्यूम टू सिस्टम्स। सो हमारे पास फर्स्ट सिस्टम होगा साई आर आर आई, जो कि एक वेव फंक्शन है। तो फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्टली जो कंजर्वेशन लॉज है वो वेव फंक्शन से शो करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वेव फंक्शन हम ये ले लेते हैं और इसका एक कॉन्जुगेट लेते हैं हम साई डैश आर आई, जो कि है सेकंड वेव फंक्शन। सो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और रिलेटेड कैसे हैं? ये रिलेटेड है एक ऑपरेशन के साथ। तो थर्ड चीज ली हमने एक ऑपरेटर, जो इन दोनों को ऑपरेट करेगा। तो ऑपरेटर का यहाँ पर क्या है? ऑपरेटर है यू। तो ऑपरेटर को अगर हमने समझना हो तो ऑपरेटर कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं बात करूँ 5 की, अगर 5 को इक्वल करना हो 3 के साथ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी उसको मैं प्लस करूंगा 2 के साथ। अगर मुझे 6 लूं और 3 लूं तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। तो इसमें ये जो 2 है वो काम कर रहा है ऑपरेटर का। ऑपरेटर मींस कि वो इन दोनों में एक रिलेशन बना रहा है, साई और साई डैश में, कौन? यू। और यहां पर 2 जो है वो रिलेशन बना रहा है 5 में, 3 में, एंड सेम। सो यहां पर अगर यू आ गया तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा साई डैश आर आई इज इक्वल्स टू यू टाइम्स साई आर आई। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। सो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो इस चीज को आपको बस याद रखना है, ये हमारी आगे यूज होगी। अगर अब हम इसमें दो फंक्शंस लगाएं, तो फर्स्ट चीज है हमारे पास साई एंड सेकेंड है हमारे पास साई डैश। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली नॉर्मलाइज कर दें तो इंडिपेंडेंट नॉर्मलाइज करने के लिए हमको क्या करेंगे? पहले नॉर्मलाइज करेंगे इसको यूनिटी मींस 1 में, देन यू क्या होगा हमारे पास? यू होगा एक यूनिटरी ऑपरेटर। मींस कि अगर साई साई डैश को अगर कोई चीज यूनिटी बना दे, अगर उसको 1 बना रहा है, मींस कि उसके बीच में जो ऑपरेटर लग रहा है यू, वो कौन सा ऑपरेटर है? वो है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर मींस कि उसको 1 बनाने वाला। तो यहाँ पर हम यू कॉन्जुगेट लेंगे साथ में यू, तो वो एक यूनिटरी ऑपरेटर है, तो वो क्या बन जाएगा? 1। और हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं, इस टाइप में भी लिख सकते हैं कि यू इनवर्स इसके इक्वल होगा यू कॉन्जुगेट। इसी सिंपली कुछ नहीं किया हमने,
ये यू यहाँ पर रहा और इसको हम उठाकर उधर ले गए, तो ये क्या हो गया, यू इनवर्स करो। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने लीनियर मोमेंटम को लेट कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम की लीनियर मोमेंटम को हमने कंजर्व शो करना है। सो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व शो करने के लिए, तो आई होप यहां तक आपको समय लग गया होगा, तो इससे हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लेंगे लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम में हम यूज करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो फर्स्ट नाउ वी हैव एन ऑपरेटर क्यू। ओके, ऑपरेटर कौन सा है यहां पर, क्यू, ऑपरेटर क्यू जो उससे पहले किया उसमें ऑपरेटर कौन था, उसमें ऑपरेटर था यू। तो अब हम जब यहां पर लीनियर मोमेंटम लेकर आए, लीनियर मोमेंटम मीन्स की पी, तब उसका ऑपरेटर कौन आया, क्यू। तो इससे याद रख सकते हैं कि पी के बाद क्यू आएगा। सो ये किस एक्सिस में था लीनियर मोमेंटम, ये था एक्स एक्सिस में। सो अगर हम इस पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो इसके लिए क्या बनेगी, माइनस एच आई एच क्रॉस डो वाई डो एक्स। इसे हमने शो करनी है एग्जाम में, इसको हम डिराइव करके नहीं दिखाएंगे। सो नेक्स्ट देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये हमारे पास मेन चीज की, उसकी पहले हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, एक्सपेक्टेशन, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी निकालते हैं हम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं हम ऑपरेटर की। तो लीनियर मोमेंटम पी जिसका ऑपरेटर है क्यू, उस क्यू की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसको हम शो करेंगे ब्रे और कैट के साथ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो हमने पीछे वेव फंक्शंस लिए थे q इज इक्वल्स टू, फर्स्ट हमारा वेव फंक्शन क्या था, साई आर आई, बीच में जो इसका ओरिजिनल ऑपरेटर है q, यहां इसको कर लिया हम ऑब्जर्व्ड ऑपरेटर, और नेक्स्ट साई आर आई, ये था हमारा फर्स्ट वेव फंक्शन। सेकेंड वेव फंक्शन क्या था हमारे पास, सेकेंड था साई डैश आर एन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं, दिखाएंगे नहीं यहाँ पर हम, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्यू इंटीग्रल करो। So, अब अगर हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है यहाँ पर साई के साथ, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, अगर साई का था हमारे पास साइन फंक्शन कॉन्जुगेट साई डैश, तो क्यू, क्यू क्या क्या होगा, क्यू डैश। सो क्यू की थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ब्रैकेट, तो इसकी क्या होगी डैश, तो हमें ये चीज निकालनी होगी। ओके, तो लेके आएंगे सेकंड क्यू डैश। सो क्यू डैश के लिए क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल वैसे ही सेम साई डैश आर आई क्यू, साई डैश आर आई आर। अब हम यहां पर यूज करेंगे रिलेशन कि ये जो साई और साई डैश है इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो अगर आपको याद हो मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन बनवाई थी आपसे, तो उसमें रिलेशन क्या निकला था हमारा, रिलेशन था कुछ ऐसे कि साई डैश आर आई इक्वल था किसके, यू साई आर आई के। तो हम यहां पर वो रिलेशन यूज करेंगे इस इक्वेशन को इसके जैसी बनाने के लिए, तो इसको इसके जैसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साई डैश आर आई की वैल्यू क्या पुट होगी, ये वाली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू साई आर आई क्यू
USIRI, खत्म। अब हम क्या करेंगे, इस पर अब हम कॉन्जुगेट एंड यूनिटरी ऑपरेशन यूज करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन लगाएंगे इस पर हम? फर्स्ट लगाएंगे हम इस पर कॉन्जुगेट, सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, वन हो जाता है। कॉन्जुगेट अगर आपको याद हो तो कॉन्जुगेट में क्या था, कुछ ऐसा जैसे यहाँ पर है यू क्यू यू डैश, दोनों साइड पे अपोजिट वैल्यूज। अब हम फिर से वही वैल्यू उठाएंगे लास्ट वाली, इक्वल्स टू पहले हम लगाएंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लगाएंगे तो सिंपल, आप कॉन्जुगेट अगर आपको नहीं पता होगा इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा, बट अब यहाँ पर आप कुछ ऐसे याद करिए कि ये जो जो लेफ्ट साइड पर है ये लेफ्ट साइड की तरफ ही जा रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो U है वो साई के लेफ्ट साइड पर है, बट इसको राइट साइड पर जाना है तो राइट साइड पर जाकर ये इनवर्स हो जाएगा। ओके यस, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पहले ये साई आर आई यू इनवर्स इधर आ गया, क्यू यू इधर गया यू, और साई आर आई ब्रैकेट क्लोज। ओके यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, चलिए अभी चलते हैं। तो यहां तक हमने यूज की थी डेफिनेशन किसकी, हर्मिशियन कंजुगेट की, और हमारे पास ये चीज आ गई थी यू इनवर्स क्यू यू। सो नाउ इफ क्यू इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन बाय यू, ठीक है, अगर जो हमारे पास ये क्यू था, अब कर क्या रहे हैं हम, कर रहे हैं इनवेरिएशन प्रिंसिपल, ठीक है, सिमेट्रिक, अगर सिमेट्री है इनवेरिएंट है तो इनवेरिएंट पर अगर मैं इसको चेंज करता हूं इसमें इसमें, तो ये किया हमने, अगर इसमें चेंज किया कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे वो एक ताश का पत्ता होता है मेरे पास किंग का, यहाँ पर किंग की एक शक्ल होती है और यहाँ पर भी किंग की एक शक्ल होती है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं और इसको मैं सीधा कर दूं तो इसकी ये इधर वाला साइड नहीं बन जाएगी, सेम चीज है। अगर मैं सर्कल लेता हूँ, सर्कल को बीच में से काट के चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, अगर इसको मैं फोल्ड कर दूंगा तो फोल्ड करके इसके ऊपर लेकर आऊंगा तो पूरा ऊपर आ गया, तो मीन्स की उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको हम कह रहे हैं इनवेरिएंट। तो यहाँ पर भी इनवेरिएंट है, अगर इसमें इसको इसमें चेंज किया पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसको, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हुई, बोलिए, इनवेरिएंट। सो इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, किससे हुई थी ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी स्टार्टिंग वाले यू के साथ, ये यू था। सो इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड Q है उसके। सो क्या पता चला इससे हमें कि अगर मैं यहाँ पर U इनवर्स Q U ले लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, Q के साथ, Q के इक्वल होगा क्योंकि ये Q कदम, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज की कॉन्जुगेट की इक्वेशन। सेकेंड, ये पीछे मैंने किया बताया था आपको कि यहाँ पर दो पेशेंस लगाएंगे, फर्स्ट था हमारे पास कॉन्जुगेट, सेकेंड है हमारे पास यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होगा, सिर्फ हम ये और ये चीज उठाएंगे इसकी, जो हमारे ऑपरेशंस थे यू इनवर्स एंड यू, तो उस पर यूनिटरी मेथड लगा तो वो क्या बन गया, वन। तो इससे हमें सीधा सीधा पता क्या चला कि यू इनवर्स क्यू यू, यही था हमारे पास ये वाली चीज, ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी Q U इनवर्स U के। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ये जो पीछे वाली टर्म थी इसमें इसके आगे हम Q लगा रहे हैं, पर क्यों दिया हमें,
पर यहाँ पर हमने क्यू लगा दिया क्योंकि हमने यूनिटरी मेथड बनाया था। तो ये दोनों इक्वेशंस बनाई उठाई इनको मैंने क्यू के इक्वल कर दिया। सो नेक्स्ट, अब तो सिंपल लास्ट में हम लिख सकते हैं कि Q एंड U इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कि Q प्रेशर एंड U प्रेशर इन दोनों को लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिंपली लास्ट में आपने लिखना है, सो इफ एन ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, ये फर्स्ट वाला Q, Q इज इनिट, सो हमने फर्स्ट सेकंड में फंक्शन लिया था Q वाला, उसमें हम लीनियर मोमेंटम की बात करने वाले थे, उसमें हमने क्यू को माना था कि वो इनवेरिएंट है, उसको क्यू को लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू को हमने क्यू डैश में कन्वर्ट कर दिया था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अगर हम क्यू इनवेरिएंट लगा रहे हैं और बाद में उसको हमने चेंज भी किया था, उसको किसमें चेंज कर दिया था हमने, उसको हमने यू में बना दिया था वो फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा के, सो क्यू इज इनवेरिएंट अंडर ए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि मैंने जब शुरू में बताया आपको कि Q पर ऑपरेशन लगाया वो कौन सी एक्सिस में था, x एक्सिस में, अगर वो x एक्सिस में था, अगर आप उस पर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको y एक्सिस में लेके जा रहे हैं, उसको z एक्सिस में लेके जा रहे हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाय किसके साथ चेंज किया था, चेंज करने के लिए हमने यूज किया था ये सेकंड u, बाय द यूनिटरी ऑपरेशन, क्या है u है हमारे पास यूनिटरी ऑपरेशन, याद होगा आपको मैंने हमने लगाया था u इनवर्स u इज इक्वल टू 1 ऑपरेशन u, देन क्या आएगा अभी लास्ट में रिजल्ट, तब तो पता चल गया होगा, देन दीस टू ऑपरेशन क्या करते हैं, दोनों ऑपरेशन कम्यूट कर लेते हैं, ऑपरेशन कम्यूट, सो जो ये लास्ट लाइन है कि दोनों ऑपरेशन ने कम्यूट कर लिया, तो कम्यूट का मतलब है हमारा यहाँ पर इस चीज को कह रहे हैं वो यू क्यू यू, यू इनवर्स क्यू यू, और यहाँ पर ये कम्यूट होकर उल्टा हो गया कि क्यू यू इनवर्स यू, ये कब होगा, सिर्फ तब होगा जब हमारा फंक्शन जो सेंटर में लगा है वो इनवेरिएंट होगा। तो एक बार फिर से हम देखें कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास वो इनवेरिएंट है, और इनवेरिएंट वो क्या कर रहा है, वो एक्सिस को चेंज कर रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस को चेंज कर रहा है, और उसको चेंज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब कौन चेंज करने के हेल्प कौन कर रहा था, उसको हेल्प कर रहा था ये सेकेंड चीज कौन था, यूनिटरी ऑपरेशन। तो यूनिटरी ऑपरेशन जब चेंज करेगा तो वो क्या कर लेंगे, वो कम्यूट कर लेंगे। तो ये शो कर रहा है हमारा सिंपल इनवेरिएशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के हम यूज करते हैं साइश, तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, वहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना हो तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसलिए यूज किया हमने उसका हथियार साई। होप आपको समझ आ गया होगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।